आइएगा। हमारे हृदय सम्राट युवा कवि अखिलेश कवि जी चार पंक्तियों में संकेत करते हैं, कैसे ये सब दिल में पनपता है। कहता है कि तेरा इरादा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरी बात सुन लो। क्या कहता है कि खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। अरे कदम चुन चुन के रखती हो कमर बल खा ही जाती है। कहता है क्या कि होठों पे तेरे प्यार का हेलो जैनी थोड़ा सही धैर्य भी मेहरबानी। क्या कहता है अरे होठों पे तेरे प्यार का इजहार
घोड़ा घोड़ा घोड़ा
अच्छा दिमाग का वाला काम कैले बा चाहे लड़वैया हो चाहे गवैया हो चाहे चहवैया हो चाहे धावक हो कम गाई कम लड़ी कम दौड़ी कम चढ़ी चल जाई लेकिन अगर कसौटी पर हो पैंतालीस सही हो तो समाज का लोग जोश पैदा करेला साबसी देला कि साबस कहाँ चल जाए अरे यार वो हर थोड़े चढ़े कथे पतिया अच्छा लो अगेन कैसे अनाल हल तो इसमें कोई शक नहीं है नो डाउट तो गाओ डाउट बाहर तो अंग्रेज के पार हो कैसे मास्टर नाम है क्रांति बाबू विजय पांडे जी अत्यंत दुखित हुए कि क्या जमाना है वो कैसी आजादी है कहने को तो हिंदुस्तान आजाद हो गया लेकिन अभी तक हमारी कश्मीर की धरती आजाद नहीं हुई है टेंशन में हूं कि एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का उत्सव मनाएगा और दूसरी तरफ कल मेरे बेटे का जन्मदिन है मैं जन्मदिन मनाऊंगा कैसे
कैसे इस खुशी में शामिल हो पाऊंगा, अत्यंत दुखित है। तो मैं उनको दुल्हन शांति देवी अली के रोल घूमत फिरत देख ली चेहरा पर उदासी, उदास देख के सवाल करत है बिहाने का गीत बा कौन गीत बा। आतंकवादी दिन दहाड़े 15 हिंदुओं का हत्या कर दिया, कैसे खुशी में शामिल होकर जाए, कैसे देश आजादी का उत्सव मनाई और कैसे हमने अपने बचवा का जन्मदिन मनावल जाए, यही टेंशन में तबानी। शांति देवी कली की देखी जब रहुए इतना टूट जाए, रहुए इतना अधीर हो जाए, हताश हो जाए, तो हमारा 3 साल का लड़का अपने जन्मदिन का केक कैसे खाती। जब रहुए तेरा जीवी को नया बात नहीं थे, टेंशन छोड़ी भाई आगे का देखिए वो काम करी का ठेका
करी है पैसा ले जाई बाजारे न सजावट का सामान आइल बा न केक ऑर्डर कइल बा न कोई के कपड़ा लता आइल बा न भोज भात का सामान आइल बा है पैसा ले जाई बाजारे और सुनी है 2000 रुपया अलग से ले कमाई का है कमा के अरे हित गंकुल झूठी हां तो खाली मम्मा दाने ना रही हां 10 में हरा लुआ रही हां तनी बढ़िया खूब चमकौआ झमकौआ गोटेदार एकदम कथई कल का टाटा चमकत एगो तनी साड़ी हमके ले ले आई ताकि पहिर अब तो बिना बतौले 10 मेहरारू में लोग पहचान जाए कि हे क्रांति को माई है ये क्रांति को माई है बतावे को ना पड़े पैसा दे के भेज दे बेचारू गई ना कुल बार बाजार को के लेके आ गई लोग बिहान भाई यानी 15 अगस्त 15 अगस्त के दिन एक तरफ हमारा हिंदुस्तान हिंदुस्तान के लोग आजादी की उत्सव मना रहे हैं और दूसरी तरफ बाबू विजय पांडे जी अपने बेटवा का जन्मदिन का तैयारी करते हो केहरो भोज भात बनाता केहरो सजावट होता सब नया नया कपड़ा लुगा पहन के चुरुगा सब कुर्सी से मातल बा तब बिरहा में कभी जी विदेशिया का भाव लिखत हूँ कैसे खुशी का माहौल हो बाबू बिहार पांडे चारू ओर घूम के व्यवस्था देखत हो कोनो व्यवस्था में कमी ना हो ए मंगरू ए बाबा पड़काल बना ऐसा ना ये तना पड़का फूटे के चाहिए ये तना धुआं उड़े के चाहिए कि लोग देखे तो जान जाए कि हाँ तो कोनो बाप अपने बेटवा का जन्म दी जी हुजूर ऐसा ही होगा अपन तैयारी होता धीरे धीरे बेरा बीतत बस शाम हो गई किरण डूब गई यानी सूर्यास्त हो गई 7-8 बजे था अक्सर हुआ लोग देखिला कोई को कईयो बजे जन्म भई रोके लेकिन केक जब कटेला तो 7-8 बजे तो लोग केक कट जाए कोई के पास समय कहाँ है 7-8 बजे केक काटे का समय भल केक बीच में रखल बा यार यदि पूरा घर परिवार हितर में तो घेर के खड़ा बा गोदिया बिठा के माई अरे कहली बेटा केक काटा तब लेके बिजली काटल बाटे ही छाना केक सजावल बा आदि आदि सब घेर ले बा हित नाता दर दयाद सब कोई घर परिवार का लोग शांति देवी अपने बेटवा क्रांति के गोद में लेके बैठ के हाथ में छुरी धरा होते कि बेटा लोग केक काट दो जब ही बेटवा केक पर छुरी रख ले बा केक काटे खाती तो ले लाइट कटल अंधेरा हो गई तब आई ले आतंकी सबके अरे चारों ओर से घेरी घेरी अरे तारा तारा कोलिया चलावे बेली माना केक काटे कैलस तो लाइट कटल अंधेरा हो गई आतंकवादी आके चारों ओर से सबके घेर ले रहे किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला और तड़तर 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 गोलियों की बारिश करना चालू कर दिए अरे मातम में बदली गई अरे खुशी वाला दिन आ रहा है
खुशी मातम में बदल गई। विजय पांडे का पूरा परिवार लाशों के ढेर में बदल गया। कभी लिखते हैं कि आजादी के दिन बर्बादी का, आजादी के दिन बर्बादी का मंजर कश्मीर के वादी में कितनों का घर उजड़ गया आतंकवाद की दुनिया में। इंसान बनाने दुनिया में इंसान बनाने वाले भी आज शर्मिंदा है। लाशों की ढेर में विजय पांडे जी अभी भी, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, लेकिन भगवान की कृपा से दया से संजोग बस बाबू विजय पांडे घायल हुआ लेकिन जिंदा बच गए हुआ। विजय पांडे ढूंढ रहे, विजय पांडे ढूंढ रहे बेचैन मन से शांति को, जब नजर पड़ी है बेटे पे छत गोद में ले लिए जिंदा बचल हो। लाश के ढेर में उलाट पुलाट के अपने दुल्हन शांति देवी का तलाश कर थो, न जिंदा पता चलता न मुर्दे पता चलता। तब नजर पड़ी है कोने में क्रांति, लाशों के ढेर पे बैठ करके खेल रहा है मगन है। 3 साल का लड़का को बुद्धिये कितना उका जाने की जिंदगी का होले, मौत का होले, खुशी का होला, गम का होला, मगन बा। जब नजर पड़ा हा बाबू विजय पांडे जी का, जब देखा कि बेटवा जिंदा हा, दौड़ के गोद में उठा के चूमे चाटे लगल, ले बेटे को विजय पांडे, ले बेटे को विजय पांडे, जालंधर भाग के आए है। रहा लंगटिया लाल भीम सिंह घर उसके शरण तक, बेटे को लेकर के जालंधर भाग के आ गए। जालंधर में के रहल उनकर लंगटिया यार, नाम रहल भीम सिंह। भीम सिंह का पूरा परिवार का बीच में बैठ के अपने बेटवा क्रांति के लेके बाबू विजय पांडे जी रो रो आप दुख भरी दास्तान सुनावत हो। भीम की पत्नी सीमा उत्तम, भीम की पत्नी सीमा उत्तम बच्चे को गले लगाई है, चिंता ना करिए भाई जी, तब धीरज उन्हें, भाई साहब चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनके घर में देर है अंधेर नहीं है। यानी अपने यार भीम सिंह का परिवार में शामिल होकर अपने बेटवा क्रांति के लेके बाबू विजय पांडे जी गुजर बसर करत हुआ, दिन बितावत हुआ। समय बीतत गए भैया, समय बीतत गई, समय अनुसार धीरे 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 लड़का चितकारू हो गल, नाम लिखा गल, पढ़े आवे जाए लागल। एक दिन का बात बा, स्कूल से पढ़ के जब 4:30 बजे शाम का जब घरे आयल हो, नाश्ता फुटाई कई हस निकल गल फील्ड में खेले कूदे खातिर। जब फील्ड में पहुंचे बा, फुटबॉल का गेम होता, दरोगा लोग जानी ला हर गेम में कबो कबो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाने, और फुटबॉल का गेम में गड़बड़ी होगी ने भैया, तो लड़का अपने आप के भरोसा दिलावे खातिर, दूसरा के विश्वास दिलावे खातिर, दूसरे की पार्टी के क्रिया खलौस, कौनो बजरंग बली का क्रिया खाता, कौनो काली माई का क्रिया खाता, कौनो चौरा माई का क्रिया खाता, क्रांति भी कसम खाता की महतारी कसम, बोले वही में फिर चुप रहे तू का माई का क्रिया खा रहे, तो माई का पता है, तो माई का आई है कल सर जब घर में आई हमारा माई ना तो तोर माई है का, बोले दूसरे का कल सर ही पगला, तू जब एक माई कहे ले, जब एक तू माई समझे ले, वो तोर माई ना है, वो तो खाली तो के पलले पोसले ही है, तोर माई का तो पते ना है कि तोर माई जिंदा है कि मर गई। ए भैया बतियाओ क्रांति का करजवा में तीर जैसे छुप गई। जब घर गया है खाना भी नहीं खाया, रात को सो गया, पिताजी के बगल में सोया हुआ है, आधी रात का वक्त है, आंखों से आंसू चल रहे हैं, रो रहा है सिसिक सिसिक के। जब बाबू विजय पांडे जी का खान तक आवाज गई, घर वाई को उठ के बैठ गई, कहा बेटा तुम्हारे आंख में आंसू कायर उठ बेटा, कहा बात बा, कोई से झगड़ा हो गया का, कोई कुछ बोल रहा था, रोने लगा बिलखने लगा, कहा कि नहीं पिताजी किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, एक सवाल जो मेरे सीने में तीर की तरह चुभ रहा है, और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा मुझे शांति नहीं मिलेगी। बाबू विजय पांडे जी कहां रहे,
अरे बेटा तू तो पढ़े में बड़ा तेज हुआ, कैसा सवाल में अटक गया? पूछा जी वही खाना की पूछा तो कलश की बाबू जी का जमे माई के हमार भाई नहीं खे। बाबू विजय पांडे का पैरवा तले जमीन खिसक गई भरमावत हुआ। अब बेटा ये कुलका उल्टा सीधा बात लगला पूछे, कोई दूसरा पूछला कलश की ना बाबू जी तो क्या हमार कसम तो के बतावे के परी का जाने माई के अम्माई कहिला का हमार भाई नहीं के। ए भैया हम बताइला एक मतारी बाप खाती औलाद से बड़ा धन दौलत कुछ बड़ा होला। अपने बेटे की कसम को अपने बेटे की दी हुई कसम को लेकर के बाबू विजय फांदे की लाचार हो गए, बेवश हो गए, रोने लगे। कहते हैं कि बेटा मैंने तो सोचा था इस राज को हमेशा राजी रखूंगा, कभी नहीं बताऊंगा तुझसे, लेकिन जब तू अपनी कसम दे दिया तब तो बताना पड़ेगा। बतावत हो बिरहा में भाव बदल गया। बेटा आज भी वह दृश्य मेरे नजरों के सामने फिल्म की तरह चलता है, साफ साफ दिखता है, हमेशा नाचता रहता है, मैं चाह के भी उस दृश्य को नहीं भूल पाता हूं। कौन सा दृश्य पापा बताते हैं? की बात है 15 अगस्त के दिन एक तरफ पूरा हिंदुस्तान आजादी का उत्सव मना रहा था और उसी 15 अगस्त को हम लोग तेरा जन्मदिन मना रहे थे। सब हित नाथ सब कोई जुट गए ले बेटा केक सज गई लाल जय तू के कवा काटे चलला तोले अनहार हो गई। अनहार हो गए आतंकवादी आके सबके चारों ओर से घेर ले। आतंकवादी आ गए पापा? हाँ बेटा तब क्या हुआ पापा फिर बताते हैं। बेटा आतंकवादी आए सबको घेर लिए, किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला और तड़तड़ गोली बरसाए, चंद मिनटों में लाशों का ढेर पड़ गया, पूरे हिंदुस्तान की खुशी गम में तब्दील हो गई। लेकिन मैं बच गया, तू भी बच गया, तब क्या हुआ पापा? तुम्हारा बेटा भगवान की मर्जी से मैं बच गया, तू भी बच गया, तेरी माँ को बहुत ढूंढा हूं लाशों की ढेर में, लेकिन ना तेरी माँ का जिंदा पता चला और ना ही मुर्दा पता चला। तब तुझे मैं लेकर के अपने यार के परिवार में जालन धरा करके गुजर बसर कर रहा हूँ। जब इतनी बात सुना है क्रांति ए भैया पतनिया गंगन गंगन कांपे लागल, अखिया लाल लाल जौन असिया टपकत हो लगे जैसे खून टपका था, तब बिरहा में ताई बदल गई, बिरहा यहां से गरमा गई। फिल्मी गीत बा, लेकिन ये गीत के हमारे उस्ताद विजय गुरु जी का गुरु जी स्वर्गीय रामदेव उस्ताद जब गावे तब सिरी से भी मीठ लगे। कैसे गावे कोनो हीरोइन अपने लहंगा का बखान करे का कहले रहल कि एगो पेपर लहंगा निकलू जब डाल के एगो पेपर लहंगा निकलू
गुड़िया चल जाए मेरी, गुड़िया चल जाए मेरी मतवाली सुनैले हम अपने बेटवा क्रांति से तो पोजीशन का हो भाव हो। अरे क्रांति के मन में क्रांति के मन में क्रांति के पुरस्कार भैया के प्रणाम सब भैया लोग के प्रणाम बा काहे फौजी बने कहता नहीं तज बदल गई के प्रणाम आशीर्वाद जो सके। लेकिन आप लोग भी गौर फरमाइएगा फौजी होता क्या है, फौजी किसे कहते हैं, ये अपन दिमागी हरकत बाबा जरा गौर फरमाइएगा कैसे। अरे वतन के Oh,
हिंदुस्तान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, अपने लोगों के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दे। जिसका हिम्मत हौसला पहाड़ की तरह विशाल हो उसे फौजी कहते, वही होता है फौजी जो मरने जीने की परवाह न करता है, जो बना लिया नहीं पूरे देश के लिए जीता है उसे ही फौजी कहते हैं। एक लाइन हो सरहदे हिंद के रक्षक में भगवान है फौजी, सरहदे हिंद के रक्षक में भगवान है फौजी। भैया लोग के प्रणाम हो, आशीर्वाद दे सुने। ए भैया जब ये तनी बतिया सुन लो संक्रांति बैठवा तो कवि जी तेरी का भाव लिखता हूं कैसे। तने ऊपर आ जा भैया, जब ये तनी बतिया सुन ले क्रांति बेटवा बतियावत बतियावत भोर हो गल बा, दाए बाएं रखल एक डाली दौड़ी रहा वही में सब्जी रखल रहा वही में लोहा का तो चाकू है, जाके उठा के चकुया मलस खोर दे उठा फाट गए खून बहे लगल। बाबू कहा ना बैठा ही तो खून निकल रहा, कहा सर रुका ना जौन तू कहानियां बतावत हुआ वो खूनवा से ज्यादा ही खूनवा नहीं के बहल, और देख रहा यही खून में तोहरों खुनवा शामिल बा आ माइयो का खुनवा शामिल बा। ऐसे ही तिलक लगाओ था कलस की बाबू जी इतने जान ला कि तुहर बेटा तुहरे हर उम्मीद से 100 कदम आगे रही, हर सपना तुहर साकार करत। बाबू जी कहा बेटा तुमसे यही उम्मीद थी, यानी फौजी बनने का जुनून उसके सर पे सवार हो गया। समय बीतक वहां मेहनत कर रहा है, रियाज कर रहा है, लेकिन परिणाम क्या निकला? सन 13 हमें मिली सफलता, सन 13 हमें मिली सफलता, फौजी बन घर आया है विजयी पांडे प्यास उठे जब चरणों में शीश। सन 2013 में फौजी बन गया, जब फौजी बन गए ट्रेनिंग भइल, ट्रेनिंग जब पूरा हो जाले तो कुछ लंबा छुट्टी मिले ले, वही छुट्टी में बेचारू घरे ही रहा निहूर के बाबूजी को गोर लागत हो, बाबूजी आधा निहूर तो उठा के सीना से चपका ले, कहो कि ऐसा बेटा मेरे अंश में, बेटा तुम्हारा स्थान मेरे कदमों में नहीं मेरे सीने में मेरे दिल में है। अरे ऐसा बेटा मेरे अंश में, अरे ऐसा बेटा मेरे अंश में, यह सौभाग्य हमारा है। अरे सरहद पर मर मिट जाना क्योंकि हिंदुस्तान इस वतन के लिए, अपने वतन के लोगों के लिए, इस मिट्टी के लिए, अपने कश्मीर के लिए सीने पे गोली खा लेना, पीठ मत दिखाना, जोश भरत हो, हौसला बुलंद करत हो। बेटवा कलर बाबू जी तू जान दो पहले ही बारूद भर हो एकरा में, और अब अभियो के विस्फोट मत कर, समय पर होके दाए करा के समय बीतत गए भैया। जब ट्रेनिंग वाली छुट्टी मिलल धीरे 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 खत्म होत गया, 4-5 दिन रह गल, तब आया रिश्ता शादी का, आया रिश्ता शादी का, विजयी बाबू ना मिस किए नीसा नाम की लड़की से क्रांति की शादी। फिर कहरुए दौड़े लगो विजय पांडे मौका दे के कहना कुल काम हो गली हो कर दे बिया तय कर हम नीसा नाम के लड़की से, वो छुट्टी खत्म हो गई, बिया तय हो गया छुट्टी खत्म हो गई। जब तैयारी करके पहली बार ड्यूटी ज्वाइन करे चलल हो बाबूजी का आशीर्वाद लेके, बाबूजी आशीर्वाद दो, बाबूजी कहो बेटा हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ हो, लेकिन तुम्हारे ब्याह तय कर दिल है, वो काम करी हा कि वो एक जिम्मेदारी है,
तनी हरदिया का दिने समय से आ जाइ बेटवा बाबूजी का आशीर्वाद लेके जब चल पहुंचल हा बॉर्डर पे तो अगर पहली पोस्टिंग काम भइल बिया कभी चल लिया भाव नहीं बता अपने जमाने में हमरे गुरु जी स्वर्गीय विजय गुरु जी का गुरु जी स्वर्गीय राम गुरु जी अपने जवानी काल में गाँव में बड़ी उम्र चले के गाँव में भैया आगा के चल गई ना मेरे पीछे गई ना जरूरत ना नमवा आगे पीछे हो गया वो स्वर्गीय राम ने उस्ताद के करी कैसे गाँव है मैं तो उनको है ना पर
जो सौ था ए भैया देखोस के बुढ़िया लड़का के आतंकवादी मार देवल चाहत हूँ उठा लिया एक छप्पन कुछ जवानों को लेकर के आगे बढ़ाओ डट गए आतंकवादियों के सामने दूर ओर से गोली बमबारी मुकाबला होता अंजाम का निकलल क्यों बुढ़िया के और लड़कवा के एकदम सही सलामत बचा के बंकर में सुरक्षित भेजवा दे हर से हर भिड़ल बा इशारा करा था आप पाकिस्तान वाले कान खोल करके सुन लो सामने पड़ोगे इतनी गोलियां बरसाएंगे कि अगले जन्म में कंफ्यूज हो जाओगे कि हम किस योनि में जन्म ले ए भैया और बुढ़िया और लड़का सुरक्षित बंकर में हूं कर्नल साहब के पास यह लड़ाई लड़ता लेकिन वो मन में चलत का है वहां पर भाव ट्रेलर था अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर था जिस दिन हम पूरी पिक्चर दिखा देंगे उसी दिन तुम्हारी सिल्ला फाड़ जाएगी। ये कौन भाषा? अरे वो साला पाकिस्तानियन के कह ये कुल मन तो मिलेला मिलेगा बुझा कि पढ़ल लिखल हो कि नहीं कहे यार पढ़ल लिखल पढ़ल हो कहा स्कूल में क्यों नहीं स्कूल में आड़ी बाड़ी ए भैया इशारा कर रहा है आप पाकिस्तान वालों खोल करके सुन लो अभी तो बस ये स्क्रिप्ट ट्रेलर था जिस दिन हम पूरी पिक्चर दिखा देंगे पूरे ऑल वर्ल्ड के नक्शे से तुम्हारा नाम और निशान मिट जाएगा नजर नहीं आओगे ए भैया यहाँ तो ही होता लेकिन अरे हमारी कल्याण साहब पूछे बुढ़िया से सच्चाई है आया पंडित कल्याण सुना ले यार कर्नल साहब बुढ़िया से कुल हाल चाल पूछत हूँ पूरा डिटेल पूछत हूँ कि कैसे कैसे आप आतंकवादियों के हाथ लग गई इस घटना के बारे में जरा बताइए बुढ़िया रो रो के बतावे लगे कि ये साहब संतुरंगा के बात रहे साहब हम अपने बचवा का जन्मदिन मनावत रही हमार बाबू के कहो ना काटे पौला अनहार भई तो आतंकवादी अइला चारों ओर से घेर के और लाश के बिछौना डाल दिया सबके मार के खून खराबा करके चल गई हमके तने के विश्वास कि हमारे बेटा हमारे पति हमारे घर परिवार का लोग जिंदा हुए लेकिन हम आतंकवादियों के हाथ लग गए साहब कर्नल साहब जब बुढ़िया की बात सुने समझ गए कि जो यह जवान क्रांति फौजी इस बुढ़िया की जान बचाया है ना वो जानता है कि ये बुढ़िया ही मेरी माँ है और ना ही ये बुढ़िया जानती है कि जो क्रांति फौजी हमारी जान बचाया है यही फौजी हमारा बेटा है। कर्नल साहब जानत हम बुढ़िया का डिटेल का हिसाब से आंख से आंसू चलता वैसे लड़का भी जब भर्ती होना तो कुल डिटेल पूरा नोट होला आंख से आंसू चलत बा तब तक एक फौजी जवान आया कर्नल साहब को साइड किया उनके कानों में धीरे से बात कहता है क्या We'll be right back.
माखिया बरसतिया ये भैया, तब तक की फौजी आता है। कर्नल साहब को साइड में किया, धीरे से उनके कानों में कहता है कि साहब क्रांति फौजी शहीद हो गया। कर्नल साहब को आखिया कंगवान हार हो गई। कहो भारे भगवान, अभी एक माँ आप बीती दुख भरी दर्द भरी कहानी सुना रही है, उसका पुराना जख्म भरा नहीं कि तूने एक नया ताजा घाव दे दिया। अभी एक बुढ़िया अपने परिवार की दुख भरी कहानी सुना रही है कि उसका बेटा शहीद हो गया, लेकिन इस बात को कर्नल साहब अपने सीने में राज ही रखते हैं, बुढ़िया से नहीं बताते हैं। तो विधान कवि जी आधा का भाव लिखता हूं, कैसे देता हूं, इस जवान के साथ आप जालंधर चले जाएंगे। जब जालंधर जाए तो बुढ़िया रोए लगल के साहब हम जालंधर जाके क्या करबो साहब, हमारे घरवा तो कश्मीर में रहो साहब, हम जालंधर जाके क्या करो। अब कर्नल साहब यहां भरमावत हुआ, कहा कैसा है कि जिस समय की आप घटना बता रही हैं उस घटना से मैं भी वंचित नहीं हूं, मैं भी अवगत हूं, मुझे भी जानकारी है। जिस समय लोग कश्मीर छोड़े 3 लाख लोग पलायन किए, उन 3 लाख लोगों में बहुत से लोग जाकर के जालंधर बसे हैं। तो मेरा अनुमान कहता है, जानत सब कुछ वहां हर सच्चाई, लेकिन भरमावत हुआ कि हो सकता है, मेरा अनुमान कहता है कि हो सकता है आपके खून खानदान दर दराज के लोग वहां पर मिल जाए। पहले इस जवान के साथ आप जालंधर चले जाइए, वहां अगर कोई नहीं मिला तो आप जहां कहिएगा मैं सही सलामत आपको पहुंचवा दूंगा। लेकिन कर्नल साहब के हर कुछ मालूम है, हर पता, हर डिटेल मालूम है, एकदम सटीक पता पर भेजोइले हो। आके जब दुआरे पर फोर्स वाली गाड़ी लगल है, अंदरमा से बाबू विजयी पांडे जब सुना फोर्स वाली गाड़ी का आवाज, सोचत हो लागत हमार बेटवा क्रांति आगल,
डोरा आधा ढाके घर से बाहर ही निकलना हाँ गाड़ी का पंजरे अब पहुंचे वाला हुआ तो मैं दो ठे फौजी जवान और दो ठे फौजी जवान के साथ एक ठे बुढ़िया एक ठे जवान लड़का जब बाहर आई ना एकाएक उनको कदम रुक गई बुढ़ौती आ गला आंख से थोड़ा धूप रहा हूं लोग बता एक आध मिनट के बाद दिखला के बाद आवाक हो गई खुला रे अरे इतना शांति बड़ी भगवान ये हम सपना देखा था नहीं कि हकीकत देखत बानी अपने आप के भरोसा दिलावे खाती धीरे धीरे पजरे गई ना हाँ वो बुढ़िया के जब छुअल हाँ जब छू ले हवा और स्पर्श कर ले हवा कहा कि ना जवन हमारे सामने बा जवन कुछ बा हकीकत बा लगन पहचान गए अपने शांति के कहा शांति हम तो सपनों में ना सोचले रहने की दोबारा तो से मुलाकात हो कैसे यहाँ का पता पहलू कैसे अलू और हे बचवा हे बाबू जब हुआ तुम्हारे संगवा एक एकर बिटवा हुआ जब इतनी बतिया पूछला हम बाबू विजय पांडे जी शांति देवी का अंखिया से आंसू चलत बा अब बतावत है का सदर भा शांति देवी कंखिया बरसे लगे रोए लगे कि सैया सोचल कि फिर तो से दोबारा मुलाकात हुई लेकिन भगवान की मर्जी कि तो से मुलाकात हो गई सही सलामत जब और समय घटना घटल ना हमके भरोसा ना रहे कि तू जिंदा होगा लेकिन हम आतंकवादियों के हाथ लग गए आतंकवादी हमके ले जाके पाकिस्तान में लाहौर के जेल में बंद कर दिया उस समय माई बने वाली रही और ये जमन देखा तो कोई गैर नहीं के तोहरे खून बा तोहरे निशानी बा तोहरे बेटवा छोट बेटवा वही जेल में के पैदा के लिए बनी एक नाम अरमान है बाबू धधा के सीना से लगा ले हमारे चुमे चाट लगा कि बाद प्रभु एक कितनी खुशी कैसे बर्दाश्त है प्रभु कुल हाल चाल बात विचार होता लेकिन लेकिन माई जब शांति देवी हई अंखिया चारों तरफ कोई को तलाश में बा बेरी पांडे जी पहचान गए शांति हम बुझाता नहीं तुम्हार तो अंखिया कोई के खोजत बा क्रांति के नैया का हमार क्रांति कहा कि ना उहो बच गल उहो जिंदा बा ओके फौजी बना दिले हैं देश का सेवा में लगा दिले हैं हर जमन भीड़ भाड़ा का देखा था चहल पहल भोज भात जानत हूं आज बड़ा सही मौका पाल है ओकर बियाह तय कटले है आज ओकर हरदी है बहुत सही समय साल हो ओहो आते हुई आज आवे का टाइम होकर थोड़ी देर रुका ए भैया 10-20 मिनट बीतल तोले दूसर की फोर्स वाली गाड़ी आके हाजिर कहते दौड़ा कि देखा लो आ गई बेटा आगे बढ़ो आवलो गाड़ी के पंजरे पहुंचल चाहत हुआ तब तक चार फौजी जवान ताबूत के साथ ताबूत खोला गया जब बाबू विजय पांडे जी बेटवा क्रांति का लाश देखल चिल्ला के बेहोश हो गए
बेटा एक और दिन देखले रे बेटा मुला तुरा तो बिगाड़ देने रे बेटा हम तो सपना बिना सोचले रहनी के ऐसा दिन देखेबा। बाबू रोत रोत छतिया पीट के बेहोश हो गेलन, लेकिन जब माई शांति देवी के पता चलल कि हमार बेटवा क्रांति का लाश आई बार शहीद हो गल बा, बचपने का चेहरा देख ले जवानी का चेहरा ना किया ला, धीरे धीरे पहुंचली लाश के पास, जब चेहरा देख ली है खाली आए हो लाल मरवा पे तू ही तो हमार जरवा बचाला, लेकिन ना उस समय तू हमके पहचान पौना कि हम तो हरमाई है और ना हम तो के पहचान पौने कि तू ही हमार क्रांति हो। अगर पहचान ले ले रहते तोरे सीना पलागे वाली गोली अपने सीना पर खा ले ले होती, आज तोरे जगह पे हमार लाश आई लेटे। बेटा माई रोत है कि बेटा शहीद हो गया, हम सब बिछड़ गया, इसका तो दुख है लेकिन फक्र भी है कि तू देश के लिए शहीद हुआ है। लेकिन एक बात कहो दुख बा कि अपने जुबनिया से माई के कहू बे माई कह दे होता तो करे जवा के ठंड ही मिल गई। माई रोत है तो ले बाबू विजय पांडे फिर जो होश में ही बैठ के रोत कि बेटा बार बार सजौला रानी ने बेटा तो धूमधाम से ब्याह कर अपने हाथ से तोरे माथ पे सेहरा सजाई शेरवानी पहनाई जूता मोजा पहनाई अपने कंधा पर बैठा के तुके हाथी घोड़ा गाड़ी पर बैठा के तोरे संगे ससुराल जाती तोरा और समधी ठाट से मिलती। लेकिन हर गम में साथ दिया, हर दुख में साथ दिया, लेकिन जब खुशी का पल आई तो साथ छोड़ के बिछड़ गई। बहुत बड़ दुखा देले बड़ा बेटा। बाबू रोत हो रोते रोते से खड़ा भईला हथवा जोड़ के, जैसे यहाँ रहुआ लोग बानी जुटल बानी वैसे ही उनका द्वारे पर लोग हमन सबसे घूम घूम के रो रो के कहते कि भैया तू रंग बताओ भैया कि जवन बाप जवने बेटा के बचपन में जवने कंधा पर बैठा के दशहरा का मेला घुमौले बा, आज वह बाप वही बेटा कलाश वही कंधा पर कैसे उठा सकेला, तू रंग बताओ भैया कैसे उठा सकेला। सबकी आंखें बरस रही है, सबका कलेजा मुंह पा रहा है, सबकी निगाहें बरस रही है। लोग कहते हैं कि बाहर प्रभु इस खुशी के मौके पर तूने कितना भयावह तोहफा पेश किया है, तेरा कोई जवाब नहीं है। लेकिन सब लोग मिलजुल के समझा बुझा के पूरा घर परिवार के शहीद क्रांति के लाश लोग लेके चलल हुन शमशान घाट पे, चिता सजाई गई, चिता को अग्नि कौन दे रहा है? बाबू विजय पांडे। जब ही चिता में आग लगाना चाहते हैं तब तक एक आवाज आती है, रुक जाइए पिताजी, रुक जाइए। जब सब लोग मुड़ के देखा था तो एक ठे लड़की अपने परिवार वालों के साथ पागल का भेष बनल बा, देह में हरदी पोतले बा। जब पंजरे आई तो लोग देखत हूँ लड़की के रहल निशा, जब लड़किया से क्रांति के शादी तय भ पंजरे गई। चिता पर से 10 गो लकड़ी हटा के फेंकल, जब चेहरा सामने आई हरदी पुतले बारो तिया कलश उठाना कहा तो मजाक करेला पर मजाक करे आदत ना गई, उठा हरदी बा देखा हम हरदी लगवा ले बनी, उठा तू हूँ हरदी लगवा ला, ना उठवा ना बनवा देख ठीक ना कहे। अरे फोन पर हम 2-4 दिन तो से बतिया उन्हें ना कि इतना नाराज हो गई ला, देखा हरदी लगवा ला, उठा देखा हम हरदी लगवा ले बानी। उस लड़की का भागल की तरह भेष बना हुआ है, अपने आप में नहीं है, रो रही है और रो करके एक बात कहती है शहीद क्रांति की लाश से, जरा दिल थाम के बैठिएगा कलेजा फट जाएगा। एक स्त्री के लिए स्त्री के जीवन में इससे बड़ा दुख और दर्द कुछ नहीं हो सकता। क्या कहती है?
रात कल सो उठा ना उठा किया खोला मुहा से कुछ बोला बहुत नाटक हो गया बूटा ना देखा मार दिया लगवा ले बन तू मार दिया लगवा ला ना उठवा तो जान ला बिया ना हुई तोरे हाथ से हमरे मांग में सिंदूर ना पड़ी तो हम तो दुल्हन कैसे बनो और तो हम दुल्हन ना बनो अगर आज ना उठवा तो दुनिया का लोग हमके थाना मारी कलंक नहीं कही पुलछरी कही कि अपने ब्याह से पहले अपने होके वाला मर्द के चबा गई लोग हमके चबाइन कही इतना बड़ताना महना लेके समाज में कैसे जी पाई लेकिन लाशें कभी बोला नहीं करती कभी ठीक बात ना बलबला लेकिन एक बात सुन ला बड़ा बहादुरी का तुहार चर्चा सुन ले ही तुहरे घर परिवार हितई करना तई का लोग बतावेला सुन ले ही का पागल की दशा हुई है लेकिन लोग समझा बुझा करके साइड किए सलामी दी गई अंतिम विदाई हुई अंतिम संस्कार हुआ ये रहा एक फौजी के परिवार का।